और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको जहां पर कमलनाथ कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है और ज्यादा जानकारी जो है प्रेस वार्ता के जरिए साझा कर रहे हैं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, उनके साथ तरुण भानोट भी मौजूद है, वहीं मंत्री विजेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। और अहम फैसलों में आम जन को राहत मिले उस मामले में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। रियल एस्टेट जमीन और उसमें जो उसकी शासकीय जो कीमत होती है स्टाम्प ड्यूटी गाइडलाइन का रेट और स्टाम्प ड्यूटी, इन दो का इस तरह से संयोजन किया गया है कि किसी भी उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं और जो सरकार की आय है वो बढ़ेगी और किसी जो जमीन खरीद रहा है या बेच रहा है उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं और फायदा होगा, इनकम टैक्स का फायदा होगा। मैं पहले कहूंगा आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, उसी चीज को फिर आदरणीय राठौड़ जी जो हमारे कमर्शियल मिनिस्टर वो एक्सप्लेन करेंगे। नहीं माइक का सर गाना है, हम लोग तरफ जाएंगे ना। अच्छा हम तरफ जाएंगे सर को थोड़ा। चलो चलो चलो, ये सब है यहाँ, संरक्षण की व्यवस्था भी है, सरकाने की व्यवस्था भी है। आप सबको नमस्कार। मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है। लंबे समय से ये देखने में आ रहा था कि मध्य प्रदेश में हमेशा ये मांग उठती थी कि जो कलेक्टर गाइड में कलेक्टर गाइड तो आगे कलेक्टर गाइडलाइन की जो रेट थे वो बाकी प्रदेशों की अपेक्षा में बहुत ज्यादा थे। आम जनता को इससे बहुत फर्क पड़ता था। आम आदमी जो अपने घर का सपना देखता है वो पूरा नहीं कर पाता था, रजिस्टर नहीं करा पाता था। साथ में सरकार ने एक बात के ऊपर और ध्यान दिया कि रियल स्टेट का ऐसा सेक्टर है जहां बहुत ज्यादा रोजगार की संभावना होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, पर पिछले 3-4 वर्षों से मध्य प्रदेश में यह व्यवसाय ठप की स्थिति में आ गया था। तो हमने बढ़ी हुई कलेक्टर गाइडलाइंस को सारे जिलों में 20% घटाने का निर्णय लिया है। हाँ, साथ में ये निर्णय भी लिया है कि हम स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाएंगे, पर कलेक्टर गाइडलाइन का रेट कम करने से एक व्यवहारिक कठिनाइयां भी लोगों को आती थी कि एक्चुअल रेट पे जो सौदा होता था या जो स्वामी भूमि बेचता था या खरीदार खरीदता था उसको इनकम टैक्स की बहुत बड़ी बाधा सामने आती थी कि कई बार तो ये होता था कि जमीन का रेट 100 रुपया होता था जिसपे सौदा होता था और वहां की कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाकर 150 रुपये 180 रुपये कर दी गई जो व्यवहारिक नहीं थी। तो ये प्रदेश की आम जनता को देखते हुए जो व्यक्ति अपना घर दुकान बनाना चाहता है उसका सपना पूरा हो सके, साथ साथ रियल स्टेट सेक्टर जो सबसे ज्यादा सृजन करता है रोजगार का उसको भी हम मध्य प्रदेश में बढ़ावा दे सके, ये महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कैबिनेट में लिया। हमने गाइडलाइन का रेट कम कर दिया, छूट से नहीं, हमने व्यवहारिकता लाई है इसमें वापस। पहले यह था कि एक्चुअल कीमत पे अगर कोई आप अपना मकान खरीदने जाते थे वो मिलता आपको 10 लाख का था, पर गाइडलाइन का रेट ऐसा था कि वो जो 14 लाख रुपए था, तो जब आप उसकी रजिस्ट्री कराते थे 10 लाख रुपए में तो आपको बहुत सारे सवाल जवाब आपसे इनकम टैक्स के होते थे। हमने उस व्यवहारिक कठिनाई को खत्म किया जिससे उसको छूट मिलेगी, गाइडलाइन का रेट सस्ता हो जाएगा और एक्चुअल रेट जो है उसकी स्टाम्प ड्यूटी भी सरकार को प्राप्त हो सके। मध्य प्रदेश में संपूर्ण तरीके से इसको लागू किया जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश अलग थोड़ी है। कैपिटल जो विधायक जी उठा रहे थे उनके मुताबिक मामला हो, देखिए हमने जब एक पॉलिसी डिसीजन कैबिनेट में सरकार ने ले लिया तो वो पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर लागू होता है, वो उसमें कोई जिले के अंतर नहीं है कि इस जिले में होगा या नहीं होगा, वो सारे मध्य प्रदेश के संपूर्ण 52 जिलों में लागू होगा। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे कमर्शियल मिनिस्टर राठौड़ जी से कि ये दोनों विभाग इसमें जुड़े हुए हैं, थोड़ा खिस रखना पड़ेगा जी। हुक्म करिए, कुछ पूछ रहे थे। अभी चलिए, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने गाइडलाइन के बारे में बताया। गाइडलाइन को 20% हम लोगों ने कम किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि गाइडलाइन से ऊपर की भी रजिस्ट्री होती है, स्वाभाविक रूप से जिसकी ऊपर होगी उसको कोई तकलीफ हो सकती है,
इसलिए उसके रेट भी हमने बहुत सारे डाउन किए हैं। 7.3% 7.3 के बजाय 2.1 किया है, 10.3 के बजाय 5% एक किया है, तो वो उनको भी राहत होगी। तो ये एक तो मुद्दा ये था। इसी के साथ जो है अचल संपत्ति के बारे में, जो हम अपने परिवार की जो संपत्तियां हैं हम अपने बच्चे के नाम से करना चाहते हैं, बेटी के नाम से करना चाहते हैं, और कई बार ज्यादा ड्यूटी की वजह से लोग करते ही नहीं थे, उसकी वजह से कई ऑफिसों में भी उनको बड़ी तकलीफ उठाना पड़ती थी, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान रखते हुए उसको काफी कम किया है। जो पहले लगता था 1% 0.8% पहले ड्यूटी थी, उसको घटा के अब पहले 5000 1000 कर रहे, लेकिन उसको भी घटा के अब 5000 की बजाय केवल 1000 रूपये स्टाम्प ड्यूटी रखी है, और दूसरा 100 रूपये पति पति या पुत्र के नाम पर, किसी के नाम, परिवार में करते हैं तो पहले जो व्यवहारिक कठिनाई आती थी वो दूर हो जाएगी। अधिक 1000 रूपये स्टाम्प ड्यूटी है केवल 1000 रूपया, और फीस जो है वो केवल 100 रूपया। तो अब बताएं ना, आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर परिवार में जो भी आपकी अपने पत्नी के नाम से, बेटी के नाम से, परिवार के नाम से आप अपना करना चाहते हो, नहीं उसमें ये है एक व्यवहारिकता कि पत्नी एवं या पुत्री को अगर आप अपनी संपत्ति में शामिल करते हैं तो आपको अधिकतम 1000 रूपये लागू कब से जाएगा? ये बस आप कैबिनेट का डिसीजन हो गया, इसके बाद लागू हो जाएगा। तो इसमें 1000 रूपये स्टाम्प शुल्क और फीस केवल 100 रूपये इस पे हम लोगों ने रखी है। दूसरा हाँ पहले 1.8% का प्रॉपर्टी है, पहले 1.8% था, एक करोड़ की प्रॉपर्टी था, 1000 रूपये एक करोड़ की प्रॉपर्टी अगर हो तो उसमें 180,000 लग रहा है, उसके स्थान पर मात्र 1100 रूपये में, जो शुभ शुभ नंबर ही माना जाता है, 1100 रूपये में पत्नी या बेटी का नाम शामिल रहेगा। 1.8% ड्यूटी था और 0.8% अगर पहले था उस बात को हम फिर से क्लियर कर रहे हैं, अगर आपने अपनी संपत्ति में अपने परिवार में पत्नी या पुत्री को शामिल किया है तो पुत्र नहीं है शामिल, पुत्र रहते ही ना, नेचुरल नेचुरल रहता है, पर ये अगर जोड़ते हैं पत्नी का नाम, सोचिए महिला परिवार में महिला को भी अधिकार 500 रूपये वाला है। दूसरा जो है परिवार में पारिवारिक विभाजन जैसे होते बंटवारा हुआ और उसमें पहले जो है स्टाम्प ड्यूटी लगती थी 2.5%, इसको घटा के 0.5% हम लोगों ने की है ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और लोगों को सुविधा हो, ताकि वो अपना बंटवारा आसानी से नहीं हो सके, बंटवारा आसानी में सुविधा हो सके और रजिस्टर्ड हो जाए ताकि जो है आम आदमी उनको परेशान ना कर सके। 500 रूपये के स्टैम्प पे हो जाएगा। उसके पीछे हमारा पूरी ये है कि पारिवारिक बंटवारा, पहले तो बड़े बड़े जो घराने होते हैं, अरे अब ये आप डिक्टेट मत करो, कैसे बोलिए, आप 3 कैमरे लगा लो, यू शुड नॉट डिक्टेट, दिस इज रॉन्ग, मैं आपको बताता हूँ, शब्द नहीं, चलिए आपकी एहसान कर रहे हैं, चले हो गए, बात आपने समझ ली है, आप सब लोग औद्योगिक घरानों को, कंपनियों को स्टैम्प ड्यूटी जो कम की है उसका थोड़ा सही बता दें क्या नहीं बताया ना आपको अभी हमने, संपत्ति वाला हो गया, हाँ जो आपने पहले भी हटाई ना 7%, 8%, 9% घटा कर नहीं, अचल संपत्ति के हस्तांतरण पे बात कर रहे थे हम, उसको जो पहले 7.3 थी उसके बजाय 2.1 जो ज्यादा रेट पे रजिस्ट्री होगी उसकी बात कर रहे थे, 7.3 के बजाय 2.1 से सब गाइडलाइंस के ऊपर अगर है, उस रजिस्ट्री के ऊपर जो चीज है वो घटाइए। ठीक है, ठीक है, ये इस मामले में पूछना है किसी को कुछ, अचल संपत्ति बेचने पे ट्रांसफर करने पर, ये तो बंटवारा वाला कैसे, ये 7.3, 2.1 कायम पर वाला, ये वो सेल पे है, पर सेल के ऊपर अगर कोई बेचता है, गाइडलाइन के ऊपर की सेल पे जो एडिशनल उस पे, ये जो गाइडलाइन कम की है, पहले जो है जो ज्यादा जो बेचने वाला था उसके ऊपर भी इनकम टैक्स वाले अपना पैसा वसूलते थे, जो खरीदने वाला था उसके ऊपर भी, तो अब उनको जो है आम आदमी को उससे राहत मिलेगी, ये होता है। चलिए इसमें कुछ पूछना है किसी को, अब धीरे धीरे करेंगे, सब एक ही बार में थोड़ी करेंगे। अपनी बात करती है पूरी, अपनी बात करती है।
मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि पहले हमेशा आरोप ये लगते हैं जो बड़े लोग होते हैं और जो कि घराने होते हैं कंपनीज होती है वो कंपनी लॉ के अंदर उसमें शेयर ट्रांसफर हो जाता था, स्टाम्प ड्यूटी भी बच जाती थी और पैसा भी उनको नहीं लगता था। और आम आदमी एक जो सामान्य परिवार मध्य प्रदेश का रहने वाला है उसको 2.5% का शुल्क लगता था, परिवार के अंदर बंटवारे में भी उसको घटाकर 2.5% से 0.25% 0.25% किया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला मध्य प्रदेश के आम नागरिकों के लिए सरकार ने लिया। अब कृषि भूमि नहीं होती है, डीम्ड मान ली जाती है क्या? ये बहुत 15 साल पुराना नियम है, उसको डीम्ड मान लिया जाता है कि वो डाइवर्टेड हो गई। चलिए लागू थे वो। चलिए अगला और पूछो बाकी मुद्दे बता। ये बंटवारे में बहुत इंटरेस्ट है, 5% तो आप उसको 0.25% 0.5 2.5 से 0.5। ये सबका जो फायदा होने वाला है, एक तो रोजगार बढ़ेगा इससे और रियल इस्टेट में जो रियल इस्टेट का जो काम था ये बहुत मंदी जो आ गई थी, इस मंदी का इम्प्रूवमेंट होगा, मंदी जो है खत्म होगी, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और रियल इस्टेट का काम आगे बढ़ेगा और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको काफी इससे फायदा होने वाला है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए हैं कुछ और वो, एक तो निर्णय लिया है कि जो किसानों को 0% पे जो ऋण मिलता था उसके अंतर्गत एक जो निर्धारित डेट थी जो 28 मार्च 2019 से बढ़ा के उसको 15 जून और उसके बाद अब 30 जून कर दिया है, इससे वो अपना जो भी उन्होंने ऋण लिया है उसको वापस करने की तारीख बढ़ गई और इससे उनको फायदा होगा कि जो बीज और खाद वगैरह मिलते हैं उस सब के लिए पूरा पीरियड मिल जाएगा और ये 0% का जो ब्याज है पे रेंट ये कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा एक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के जो सेवायुक्तों को सम्मिलन का मामला था उसकी डेट थी 31 मार्च 2019 उससे बढ़ा के 31 दिसंबर 2019 कर दी गई है। 31 दिसंबर 2019 और इसका प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा तो ये सब इसमें जो दिक्कत आ रही थी सम्मिलन की वो इससे दूर हो जाएगी। इसके अलावा वन विभाग के अंतर्गत एक पद सेंक्शन किया है जिसमें एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो वन्य प्राणियों के लिए रहेगा उसका एक पद किया है, उसमें एक मिस्टर आरपी सिंह उनकी नियुक्ति होगी जो इसके एक्सपर्ट हैं। तो जो हमारी जितनी भी सेंचुरीज हैं जितने जहाँ जहाँ नेशनल पार्क्स हैं उसमें जो प्रजाति है शेर टाइगर की प्रजाति उसका संरक्षण ठीक से हो सके उसके लिए ये पद स्वीकृत किया है, ये उसके एक्सपर्ट हैं और पद भी स्वीकृत किया उनको अपॉइंटमेंट भी दिया गया है। इसके अलावा ये खाद्य औषधि प्रशासन के अंतर्गत ये ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढ़ीकरण किया गया है, इसके लिए इंदौर जबलपुर और ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं का निर्माण होगा, अभी ये भोपाल में था इसके अलावा इन जगहों पे और होगा और इससे इंदौर जबलपुर ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि परीक्षण की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी और ये इसके अलावा खाद्य प्रशासन के अंतर्गत जबलपुर और ग्वालियर में प्रयोगशालाओं हेतु विभागीय 26 पद उसमें सृजन किया गया है और इस सब में लगभग 55.96 करोड़ ये रुपए खर्च आने वाले हैं, तो ये पूरा सिस्टम वहाँ पे डेवलप होगा इन तीन जगहों पे पहली बार। इसके अलावा ये कोई खास वह नहीं, एक और इसमें विधि आयोग के लिए एक श्री कन्हैयालाल पांडे हाँ पांडे ये अधीक्षक थे सेवानिवृत्त हो गए थे, इनको रीअपॉइंटमेंट दिया गया है,
उसमें एक अकाउंट्स और सबके लिए कोई व्यक्ति था नहीं, तो उसके लिए इनको अपॉइंटमेंट दिया गया कन्हैया पांडे जी को। इसके अलावा वचन पत्र का हमारा एक बिंदु है 39.12, उसमें अधिवक्ता दिवस, अधिवक्ताओं को पेंशन देने जा रहे हैं हम, इसके निर्णय पहले हो गए हैं। इसके अलावा अधिवक्ता दिवस मनाया जाएगा, इसमें तिथि अभी थोड़ी सी वो है क्योंकि उस दिन 3 दिसंबर को ये गैस सेशन हुआ था, इसलिए उसका डेट भी बाद में हम लोग तय करके अनाउंस करेंगे, लेकिन ये मनेगा। और एक चीज और आई थी उसमें, जो कल वकीलों की एडवोकेट्स की एक हड़ताल हुई थी, उसके उनका कहना था कि प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, जो मध्य प्रदेश सरकार से पारित होकर जा चुका है, राष्ट्रपति जी के दस्तखत होना है, हमने इसमें तय हुआ है कि मुख्यमंत्री जी एक चिट्ठी राष्ट्रपति जी को लिखेंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी आए, और साथ ही पत्रकारों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी फाइनल स्टेज में है, और उसकी सीनियर सेक्रेटरीज की जो मीटिंग होना चाहिए थी वो भी उसमें लगभग हो गई है, कुछ उसमें बिंदु है उसको निराकरण होगी, वो भी बहुत जल्दी आएगा, तो ये दो प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जल्दी आएंगे। पेंशन का अमाउंट क्या रहेगा होगी, ये तो एक अलग विषय है, वो विषय हमारी आया तो मैं उसके साथ बता रहा हूँ कि हम लोग करने जा रहे हैं, इसका पहले निर्णय हम दे चुके हैं। जो जिनकी उम्र 75 साल हो गई है वकीलों की, और जो 50 साल जिन्होंने वकालत की है, इसके अलावा एक चिकित्सा शिक्षा विभाग के हिसाब से छिंदवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये पहले ही इसका सब अप्रूवल हो गया है, और वहाँ 620 बिस्तर का शैक्षणिक अस्पताल भवन बनने जा रहा है, और उसमें 200 बिस्तरी कार्डिक सेंटर होगा, और 680 बिस्तरों के का विस्तार होकर पूरी आधारभूत सुविधाएं होंगी, और 1184.85 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने वाले हैं, ये किया जा रहा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बड़ी लंबी बात आदिवासियों की 15 साल तो की नहीं उनने और किया, लेकिन आज मंत्रिमंडल में ये निर्णय हुआ है कि 15 नवीन महाविद्यालय छात्रावास खोले जाएंगे, और उसी में जो पहले 50 सीटर होते थे 162 सीटर ये छात्रावास बनेंगे अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों में, जहां आदिवासी बच्चों की इसके लिए ज्यादा मांग है, और 107.95 मतलब लगभग 108 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, नए आदिवासियों के लिए ये छात्रावास बनाए जा रहे हैं। इसी तरह से एक सीनियर छात्रावास योजना है, उसमें भी करीब 24 छात्रावास बनाए जाएंगे, और उसके लिए 28 अधीक्षक के पद भी उसमें सक्षम किए गए हैं, इन सब में भी 917.52 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है आदिवासी क्षेत्र के लिए जो किया गया है। सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी हो, उसमें ये एक अध्यादेश के जरिए इसमें कृषकों की भागीदारी ये और देखिए जो समितियां बनी हुई हैं कृषकों की सिंचाई उसकी वो बढ़ा दी है, समय बढ़ा दिया क्योंकि ये चुनाव अभी संभव नहीं, इसलिए इसको बढ़ा दिया गया। इसके अलावा उसके अलावा ये बात उठी थी जो पिछले बार मंत्रिमंडल ने जो तय किया, जो आयु सीमा कम की थी, उस आयु सीमा को पुनः जो पहले थी उसमें ये जरूर होगा कि बाहर वालों के लिए हो जाएगी, लेकिन मध्यप्रदेश के लोगों के लिए वो सीमा बढ़ाए जाने का ये प्रस्ताव, इस पर चर्चा हुई है, और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर इसको लाया जाएगा, और कैबिनेट सब कमेटी की जो 10% अगला वर्ग का जो आरक्षण है वो बैठक होगी, मैं समझता हूँ अगले उसमें उनके लिए जो आरक्षण है, अगले वर्ग के जो गरीब वर्ग है
उसके लिए जो है वो अगले उसमें आएगा, उसमें कैबिनेट कमेटी में उसकी चर्चा हो चुकी है, उसके प्रस्ताव बन रहे हैं। और इसके जो ये इसका मैंने बताया तो इस पे तीन चीजें वहां मुद्दे उठे थे कि आयु सीमा जो कम की गई है उसको पूर्व यथावत रखा जाए, इसका परीक्षण होगा, इसको कैसे कर सकते हैं, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, इन सब पे भी कानून विभाग सबका परीक्षण करेगा और उसका पूरा बना के ब्यौरा कैबिनेट में लेके आया जाएगा। और मैं समझता हूँ तो कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं, अभी उसका चर्चा हुई और उस पर प्रस्ताव दिए हैं अलग अलग, लेकिन उसकी एक पूरी समरी बन नेक्स्ट उसमें पॉजिटिव नहीं। ये हाईकोर्ट के निर्णय पर किया था, हाईकोर्ट के निर्णय, लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय में अगर इसमें और अगर कोई अपील करने की आवश्यकता है तो विधि विभाग इसकी पूरी पूरा परीक्षण करेगा, परीक्षण करके इसको किया जाएगा, परीक्षण होगा, परीक्षण के बाद वो होगा और इसके बाद इस बात को कैबिनेट में ले आएंगे और कैबिनेट देगा। नहीं, सीधे से होगा, लेकिन ये वो लाइव है मामला।